जहां गोवा है, और गोवा में एक गांव है बेकर, उसी बेकर की गांव करें कि उस बेकर गांव में बेकर रहते हैं। एक्चुअली व्हाई डिड दिस विलेज रिसीव्ड नेम अ बेकर, मीन्स एक गांव का नाम ही गोवा में है जो बेकर गांव का नाम है। व्हाई इज इट सो, व्हाई डिड इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ कि उस गांव का नाम ही बेकर बन गया, यानी दैट इज रोटी सेकने वाला। बिकॉज इन अर्लियर टाइम व्हाट हैपेंड दैट बेकर आर इमिग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम समवेयर एल्स, बाहर से कहीं से आकर के इंडिया में बस गए थे, इसलिए वो एक जगह ग्रुप में बसे, धीरे धीरे वही गांव बढ़कर बड़ा हो गया, इसीलिए वो उस गांव का नाम ही बेकर रख दिया गया। ये बाहरी लोग हैं आकर के अपने देश में बसे हुए थे। अब ये कह रहे हैं अबेकर फ्रॉम गोवा, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। अभी कहाँ जा रहे अरे अभी कहाँ जा प्लीज बच्चे, हैं और तो रखिए नहीं इसमें, यहीं पे रखिए, यहीं पे रखिए। तो ये कह रहे हैं कि जो राइटर है कह रहे हैं कि आवर एल्डर्स आर ऑफन, हमारे जो एल्डर्स हैं वे अक्सर हर्ड रेमिनिसिंग, REMINISCING, रेमिनिसिंग का मतलब होता है टू लॉस्ट और टू लूज इनटू पास्ट मेमोरी, अतीत की यादों में घुल जाना, अतीत की यादों में खो जाना इज कॉल्ड रेमिनिसेंस। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स थे, आप लोग पुराने लोगों से मिलोगे तो कहेंगे कि अरे अब का जमाना क्या है, पहले हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था, हम ये थे वो थे। सो हियर नरेटर इज ट्राइंग टू से दैट व्हेन एवर यूजुअली वी हियर थ्रू द माउथ ऑफ आवर एल्डर्स दैट इन देयर टाइम टाइम वाज वेरी प्लीजेंट, वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, कंफर्टेबल। सो ही एल्डर्स यूजली यूज टू से रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। देखो रेमिनिसिंग में अतीत की यादों को याद करना, सुखद यादों को, और नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है वर्तमान परिस्थिति से दुखी होकर अतीत की याद में जाना, यानी अतीत की याद के लिए आहत होना, अतीत की परिस्थितियों के लिए आहत होना, यानी ये मन ही मन दुखी होते हैं कि अतीत में हमारा ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है। तो लोग यही कह रहे हैं कि हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। पोर्तुगीज, ये आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री SST वगैरह में, पोर्तुगीज दैट इज पुर्तगाली। सो पीपुल, ओल्ड पीपुल यूज टू रेमिनिसेंस आर यूज टू मेमोराइज द ओल्ड पुर्तुगीज डेज व्हेन दे वेयर इन आवर इंडिया, लॉट ऑफ देम वेयर विद द पर्पज टू बी लूटेड टू इंडिया, इंडिया को लूटने आए थे, इंडिया पे आक्रमण करने आए थे। लेकिन ये होता है कि हर ग्रुप में कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनमें कुछ अच्छे लोग थे वो भी इंडिया में उनके साथ आए और आकर इंडिया में बस गए, दे बिकेम द सिटीजन रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर एवर एवर एंड फॉर एवर। द पुर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तुगीज तो आए ही साथ में एक कस्टम, एक सिस्टम लेकर आए। व्हाट वॉज दैट कस्टम, व्हाट वॉज दैट सिस्टम, दैट वॉज द स्पेशल लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड एक प्रकार का ब्रेड जो था खान पान का, वो एक परंपरा अपने साथ संस्कृति सिविलाइजेशन लेकर आए। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, दोज ईटर्स EATE, ईट मीन्स खाना, EAT, ईट मीन्स खाना, EATER, ईटर मीन्स खाने वाला नाउन है। तो दोज ईटर्स मीन्स वे हु ब्रॉड द कस्टम ऑफ द लोव्स ऑफ ब्रेड इन इंडिया, दाउ दे माइट हैव डिमिनिश वैनिश, वैनिश मीन्स गायब होना, डिमिनिश मीन्स भी गायब होना, वे गायब हो गए होंगे, उनका अतीत बीत गया होगा। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उस रोटी को, लोव्स ऑफ ब्रेड को बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं। वाई इज इट सो, क्योंकि जो आए वो तो समय बीता, मर गए बेचारे, चले गए, लेकिन अभी भी उनके जो वंशज हैं, देयर इनहेरिटर्स आर इन एक्सिस्टेंस, आर डेलिंग देयर वेयर दे एस्टेब्लिश देयर एक्सिस्टेंस देयर विलेज। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स,
कहने की अभी भी हम जो है अपने वी स्टिल हैव अमंग अस टस, हम अभी भी अपने बीच में मींस अमंग अस मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, वे जो लोव्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, मिक्स करते हैं चटनी वगैरह उसकी जो भी चीजें बनाते हैं वो लोग अभी भी हम लोगों के बीच में हैं। तो इसलिए नरेटर कह रहे हैं कि हाउ दे डिमिनिश्ड दे वैनिश्ड बट नाउ टिल देयर इनहेरिटर्स देयर सक्सेसर्स हेयर्स दैट इज उत्तराधिकारी आर अमंग अस दिस ओल्ड एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एक्सिस्ट, कहें कि दाउ दैट बेगर बेक बेकर दैट इज योर लोव्स ऑफ ब्रेड वाज प्रिपेयर्ड ऑन द फर्नेसेस, फर्नेस मींस भट्टी, इन अर्लियर टाइम एंड इन प्रेजेंट आल्सो दाउ दे डाइड, जो पूर्वज थे वो तो मर गए लेकिन उनके बच्चे इनहेरिटर्स जो हैं अभी भी हैं और अभी भी वे भट्टी की लौ जिस पे वे बेक किया जाता था ब्रेड लोव्स ऑफ ब्रेड नाउ टिल इन एक्सिस्टेंस, यानी अभी भी वो भट्टी जलती है उस पे बेकिंग की जाती है ब्रेड बनाई जाती है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. उन भट्टियों की जो आग है now till अभी भी जो है extinguish 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 means बुझना, अभी भी बुझी नहीं है, not extinguished अभी भी बुझी नहीं है, now till it has warmness of it as earlier time, अभी भी इस भट्टी में वही गर्मी है जैसे कि प्राचीन के समय में हुआ करती थी, अतीत के समय में हुआ करती थी। द थड एंड जिंगल, थड एंड जिंगल में धड़धड़ाहट खनखनाहट की आवाज, यानी जैसे आप लोग के यहाँ घर में रहते हो कोई घूम कर बेचने आता है डमरू बजाता है कोई कुछ तड़ातड़ बजाता है, तो वो क्या करते थे कि बेकर जब आता था तो जैसे पानी पूरी होती है ना फुल्की, इसमें पानी भी होता है और इसमें ये क्या कहते हैं चटनी वगैरह क्या क्या होता है, तो वो बजाता है बर्तन कल जो कर्डल होती है कलची उसे उस पे धड़ धड़ पटकता है, तो दैट इज कॉल्ड थड एंड जिंगल, थड मींस हिट पटकना एंड जिंगल मींस उसकी आवाज खनखनाहट। तो थड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू, ट्रेडिशनल बेकर जो पारंपरिक बेकर थे उनके जो आवाज की बांस होती थी फटफटाहट बजाना, हेराल्डिंग हिज, हेराल्ड मींस होता है टू अनाउंस घोषणा करना बताना, हिज अराइवल आने का इन द मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग में ही वो बेकर लेकर चल देता था और अपने बंबू से आवाज करता बजाता शोर मचाता ताकि एवरीबडी वुड कम टू नो दैट नाउ बेकर वाज अमंग हिम अमंग देम बिफोर द होम ऑफ हिम बिफोर द जस्ट फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ द पर्सन पीपल। Morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedar in Goa. Narrator is saying that Dao, the father has died, but the inheritor as a child of that father still is carrying the profession of the baker, and that baker is known in Goa as pedar, P-A-D-D-A-R, pedar means baker. During our childhood in Goa, हमारे बचपन के दौरान गोवा में means when narrator was child, then at that time in Goa the baker used to be our friends companion and guide, friend companion and guide, साथ निभाने वाला, साथ देने वाला, पथ प्रदर्शक, एक सही रास्ता दिखाने वाला, हर रूप में बेकर वाज और बेकर वेयर्स वेयर यूज्ड टू बी फॉर द चिल्ड्रेन। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, सेट आउट मींस डिपार्चर, चल देता था रास्ते में in the morning on his sailing round and then again when he returned after impeting his huge basket, tha ki jab ek baar woh bhar ke sab kuch apna chal deta tha bechne to uske baad wapas hota tha to tokri khali hi ho jati thi, aisa nahi tha ki tokri bhar kar woh la pata tha, sab koi kha jata tha।
When he turned after returning his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Whenever he passed from the street of our house or narrator's house, children's house, they woke up after hearing the thud and jingling of the bamboo of the baker. Children used to go by running to him to greet him, say good morning, namaste, etc. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Narrator कह रहे कि ऐसा क्यों था? Why was it so? Because of the love of the loaf. यानी बच्चे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको loaf से प्रेम था. Not at all. नहीं नहीं. सिर्फ bread के लिए नहीं करते थे. That was the custom, civilization. वह एक अच्छी आवाज थी उनकी. अच्छा व्यवहार था उनका. स्वभाव था उनका. The loaves were bought by some paskin or bastin. The maid servant of the house कह रहे कि नहीं नहीं बच्चे अगर ना भी जाते तो भी ब्रेड तो उन्हें मिलता. They could get bread because bread were purchased by the servant of the house. Then what was need to go to children to the baker and to greet him? Only that was the civilization, good habit of the children of that time. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. कह रहे हैं बच्चे कि वे क्यों दौड़ कर जाते थे? Because they wanted to choose by their hand their own preferred bread from the shop, from the basket of the baker. Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभार वे चूज करते थे तो ऐसा ब्रेड मिलता था जो बड़ा टेस्टी और मीठा लगता था. The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff, STWF staff, Miss Danda. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Usually, baker reached to the door of the children of the people by creating noise, thud and jingling with the bamboo. And when he reached on the door, usually he used to greet by saying good morning to the elder person of the family, whoever first of all become before him. And after that, he put off his basket on her vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और अंत में मिल्ड रिब्यूक का मतलब मिल्ड मिस बहुत हल्का रिब्यूक मिस डांट फटकार चाइल्ड. तो कह रही कि हम बच्चे जब दौड़कर वहां जाते हैं उसके पास टोकरी के तो टोकरी कहीं गिर न जाए. विद दैट पर्पस क्या होता था कि बेकर यूज टू चाइल्ड लिटिल बिट स्कोल्ड टू द चिल्ड्रेन बच्चों को हल्की फुल्की डांट लगाता पुश कर देता दूर करता. एंड ही हैंडेड ओवर द बेक ब्रेड लोव्स ऑफ द ब्रेड टू द सर्वेंट ऑफ द हाउस. But we would not give up. Give up means छोड़ना बस. But children were not ready to give up. They again reached near to the basket after being pushed by the baker. Means एक बार baker push करके पीछे करता है फिर भी बच्चे आदत से बाज आने वाले नहीं आप लोगों की तरफ फिर वो बढ़कर बार बार टोकरी के पास पहुंच जाते. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance. Fragrance means खुशबू, smell of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? We would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Writer is saying that when after hearing the jingling of the bamboo of the baker, children used to run without washing their face and mouth. They just woke up from the bed after hearing the jingling sound of the bamboo. They ran, woke up and ran to the baker. After that, when loaves of bread were purchased by the house master, baker handed over those loaves of bread to the servant, and the servant used to distribute to all children and guardians, etc. And children were
not bothered about the washing, brushing of their teeth and mouth. Rather, they used to eat without washing and taking brush of teeth because they knew very well that there was no need to wash, or there is no need to wash, to take brush of the teeth to a lion. एक शेर को मंजन की जरूरत नहीं होती ब्रश की, वो तो अपने आप चीर फाड़ कर खाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा. That's all. And after that, overall, they used to take a hot cup of tea and then everything was clear of the mouth. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. कह रहे हैं कि कुछ मीठी ब्रेड बेकर बना के बेचते थे और मैरिज सेरेमनी में वह चीज़ें दी जाती थीं. और वही चीज़ देखो आप लोग को अब देहाती भाषा में बता रहा हूँ, ये जो टिकरी है ना, टिकरी इन्हीं बेकरों की देन है. यानी मैरिज में जो है यह टिकरी ही दी जाती थी उनकी तरफ से. तो मैरिज सेरेमनी में जब तक ये नहीं दिया जाता था तब तक शुभ और सही नहीं माना जाता था. बोल, एंड दैट टिकरी वाज कॉल्ड एज बोल, BOL. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जब तक बेकर का ब्रेड नहीं होता कोई पार्टी, कोई जैसे आजकल किसी पार्टी में शराब ना हो तो पार्टी पार्टी नहीं, वैसे ही उस समय ब्रेड जब तक नहीं होता था तब तक वह पार्टी पार्टी नहीं होती थी. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Narrator is saying that it is impossible to show the importance of the baker in that time in the village. Itna important tha. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Jo ghar ki auratein thi, wo sandwich ye bhi bakeron ki den hai. Aur wo banaya karte the kyun? Kyunki wo chahte the ki unke ghar ke bacche khaye is cheez ko. उसके रिश्तेदार मेहमान खाएं तभी इज्जत बनी रहेगी, वरना इज्जत की तो वाट लग जाएगी. केक्स एंड बोलिन हर्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली सेंसियर. कह रहा है कि गांव में इस तरह से केक और क्या क्या हर एक चीज बेकरों की देन है जो भी आज भी इम्पोर्टेंस रखता है, और इस तरह से बेकर कितने इम्पोर्टेंस थे अब इसी से समझा जा सकता है. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. यानी बेकर उस समय जो ड्रेस पहना करते थे वो ड्रेस व्हाट कॉल्ड, दैट ड्रेस वाज कॉल्ड कबाई. जैसे आजकल सूट बूट सलवार सूट क्या क्या होता है ना वैसे. इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. यह एक सिंगल पीस में होता था, लंबा फ्रॉक टाइप का होता था और घुटने तक पहनने पर सीधे घुटने तक पहुँचता था, सिंगल होता था. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. करके अपने time में narrator कह रहे कि हम लोगों ने baker को कुर्ता और पायजामा पहने हुए भी देखा है जो कि घुटने तक ही जाता था. Even today, यहाँ तक कि आज भी anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. Narrator is saying that even today, if anybody wears a half pant which goes just below to the knee, घुटने से just नीचे जाता है, that person is commented as the peddler. People say jokingly that you are a peddler. तुम एक peddler हो, baker हो. The baker usually collected his bills at the end of the month. महीने के last में bill was collected by the baker. Her salary, whatever was there. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Means there was no rule to write on copy. Only baker used to sell his property to others, children, etc. And the guardians of that house, every house, used to keep record on walls by writing any pebble, choti, kankar, pathar, etc. So that at the end of the month, clear account could be done. Hisab kitab clear kiya ja sake. Baking was indeed misni sandeh, undoubtedly a profitable profession in the old days. Purane samay mein baking bahut faydemand vyavsay tha. The baker and his family never starved means bhookho marna. Narrator is saying that baking was so beneficial business that the baker and his family never had to die due to starvation, hunger. Bhook ke karan baker aur uski family ko kabhi nahi marna pada. क्योंकि बेकिंग बहुत ही प्रॉफिट का मामला होता था, प्रॉफिट का बिजनेस था. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. बेकर, उसकी फैमिली, उसके नौकर सभी हैप्पी, खुश और प्रॉस्परस, समृद्ध और उन्नतवान मालूम पड़ते थे, बिकॉज
because they have had a lot of profits by selling the baker loaves of bread. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ तक नेटर कह रहे हैं कि बेकर वाज सो स्लाइट फैट, हल्का फुल्का मोटा, इन हिंदी गदराया हुआ होता था, हल्का गदराया हुआ, दैट वाज द प्रूफ दैट इट हैड लॉट ऑफ सफिशियंट फैसिलिटीज इन हर इन हिज हर होम. एंड इवन टुडे इफ एनी पर्सन लुक्स स्लाइट फैट दैट पर्सन इज कॉल्ड इन गोवा पेडर बेकर. थ्रू दिस वे पार्ट फर्स्ट ऑफ लेसन 7 इज कंप्लीटेड. And tomorrow I shall start part 2 of lesson 7. If any problem you all have, then ask.